साफ सफाई एक अच्छी आदत है। स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिए हर एक को यह आदत बनानी चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। इसी के दृष्टिगत देश में स्वच्छता की महत्व आवश्यकता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। हमें समझना चाहिए कि यह केवल हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्य नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है। हम सबके स्वस्थ जीवन के लिए इस अभियान में हमें कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेना चाहिए। इसकी शुरुआत घरों, स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों, कार्यालयों, संस्थानों से हो, जिससे कि देश में व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत क्रांति हो। हमें खुद को, घर, अपने आसपास, समाज, समुदाय, शहर, उद्यान और पर्यावरण आदि को प्रतिदिन स्वच्छ रखने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में स्वच्छता का बहुत महत्व बताया गया है। स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ विचार और क्रियाशील होती है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने आज पूर्वान्ह 11 बजे ऐतिहासिक मुख्य भवन के समक्ष स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ स्वच्छता शपथ के साथ किया। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने आचार्यों के साथ झाड़ू लगाकर इस अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस अभियान का विषय वस्तु स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता है और इसके अंतर्गत देशभर में संबद्ध संस्कृत संस्थाओं को स्वच्छता के प्रयासों में नागरिकों की भागीदारी और सामूहिक कार्यों की भावना को प्रज्वलित किया जाएगा। स्वच्छता अभियान में प्रोफेसर यशवीर सिंह, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर शरेश कुमार मिश्र, डॉक्टर पद्माकर, अजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों ने झाड़ू लगाकर सहभाग किया।